और हाइट देख रहे हो आप कहाँ पहुँचे हम। आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग है माता की तरफ से। तो चलिए दर्शन करके हल्का हल्का फील कर रहा हूँ मैं तो। बड़े अच्छे दर्शन हो गया माता जी। माता जी। भाई गुड इवनिंग है सबको। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही तगड़ी लोकेशन पर। आप देख सकते हो हमारे आसपास की जगह। और आज हम आए हैं बिग डैडी ऑफ एसयूवीज स्कॉर्पियो एन में, जो कि अपने बाइक की केशव भारती जी। हाल चाल आप सभी का। तो भाई आज हम आए हैं बालासुंदरी माता कैंपिंग करने के लिए और साथ में माता जी का दर्शन करने के लिए। तो भाई हमारे साथ है वीरेश्वर भाई। भाई कैंपिंग भाई ने बोला, बट टेंट हम लाए नहीं, कैंपिंग नहीं है, खाली हम करेंगे ट्रैक। ट्रैक करेंगे ट्रैक का सोच लो, बट हम डिले हो गए। सोचा कैंपिंग के लिए, सोचा कैंपिंग के लिए, सब लेट हो गए। हमारे साथ एक बंदा था, लेट करवा दिया। एक बंदे ने हमको लेट कर दिया, तो कैंपिंग हमने आइडिया ड्रॉ कर दिया ड्रॉप। अभी आपको दिख रहा होगा ट्रैकिंग है कहाँ से है, तो अभी दिखाते हैं। आ जाओ ठीक है। और ये अपनी बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, ठीक है, ऐसा कुछ रास्ता। और मौसम भी आज थोड़ा अच्छा हो गया, फेवरेबल कंडीशंस हैं हमारे लिए ट्रैक करने के लिए। ओह ये देखो, दिखा रहा मैं आपको माता बालासुंदरी टेंपल। ये पूरा बोर्ड है, ये शायद से आवाज से नीचे गिर गया। ट्रैक रूट टू टेंपल बालासुंदरी माता टेंपल, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। और हमारे थोड़े हमारे साथ आए हैं, वो थोड़े आगे चले गए हुए हैं, तो उनके साथ भी लाते हैं। अगर आप भी आ रहे हो तो आप भी इस लोकेशन से आ सकते हो। यहाँ पे लंगर वगैरह लगे होंगे ना, नवरात्रे थे ना अभी पिछले, तो उसी का देखो इतना रश होगा इस टाइम। तो भाई ऐसा कुछ रास्ता है, चेक कर सकते हो आप। भाई खतरनाक पहाड़ है, पहाड़ों से टूटे हुए पत्थर है भाई, पत्थरों से जुड़े हैं, चेक कर सकते हो। और ये जो एरो है ना, ये पूरा हेल्प करेंगे आपके ट्रैक करने में, कहीं भी आपको खोने नहीं देंगे। और ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत से वाटरफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी और ज़्यादा आए। पास से जाके दिखाता हूँ आपको। चेक कर रहे हो आप, भाई अभी हम गलत चले गए थे, पर हम में से एक बंदे ने, उसमें से एक बंदे ने देखा कि सुमित भाई है जो हमें गाइड कर रहे हैं भाई, बट उनको भी रास्ता आगे मालूम नहीं है। तो ये एरो के भरोसे चलना है आपको, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं हम। गंद मत फैलाओ, गंद मत फैलाओ, गंद मत फैलाओ, बस यही है। भाई भाई आधी चढ़ाई चढ़ ली हमने, आप देख सकते हैं पूरी माउंटेन रेंज दिख रही है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ से। और हम यहाँ से रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, हमने पार्टी वगैरह की अपनी, गंद हमने बैग में डाल दिया, ठीक है, कुछ भी लीटर नहीं किया, देख सकते हो इसमें हमने कैरी किया अपना गंद। तो भाई ऊपर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं, और हम भी यार डंडा होकर थोड़ा लिए हुए। ये देखो जय माता दी, वो आ रहे हैं लोग। और हाइट देख रहे हो आप कहाँ पहुँचे हम। वही फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर में,
ये देख सकते हो बैक साइड है मंदिर के। इस मंदिर को दो तीन रास्ते आते हैं, बिलावर से भी आता है। हम आए हैं कुमरी कठेरे वाले रास्ते से। अच्छा खासा चढ़ाई थी, कितने घंटे लगेंगे भाई हमको? एक घंटा लगा होगा अगर आप चलते रहोगे तो। भाई हमने स्टे किया होगा तो हैं टोटल पौने दो घंटे लगेंगे अगर आप चलते रहोगे। ऑक्सीजन नहीं है भाई, बच गया भाई। हमने ब्रेक बड़ी काफ़ी लगाई है तो इसलिए भाई हमें डेढ़ घंटा लगा। सुनी थी वजह की बाइक की वजह से, क्योंकि भाई ये रुक रुक के चलता है क्या, तो भाई इसके लिए भाई हमको चल रहे थे टाइम लगा क्योंकि हमने ब्रेक ली। अगर आप चलते रहोगे तो, अगर आप बड़े ही ज़्यादा फिट एथलेटिक बॉडी वाले तो आधे घंटे में। मेरी तरह अगर हो तो आप तो भाई आप आधे घंटे में। माता के दरबार में बहुत ही खुशी हो रही है, पहुंच गए हम। और चलो सबसे पहले आपको माता के दर्शन करवाता हूँ, आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग है माता की तरफ से। तो चलिए जय माता दी। तो दोस्तों ये मंदिर जिस हिसाब से आप देख सक रहे हैं बहुत ही पुराना है, आप देखो एक बार। जय माता दी, जय। और भाई ये मंदिर के कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, देखते हैं ऊपर क्या टॉप से क्या व्यू आता है। जय माता दी। देख सकते हो आप इस टाइम हम मंदिर के टॉप पे। और यहाँ स्पीकर लगा हुआ है। इस साइड गढ़ुआ है और इस साइड बिलावर है, बिलावर से आता है ये वाला रास्ता। देख रहे हो ना ये रास्ता आ रहा है ऐसे से, ये बिलावर वाली साइड से आ रहा है, हम गढ़ुआ वाली साइड से हैं। भाई दर्शन हो गए बहुत अच्छे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई है नहीं है हमारे साथ और दर्शन करने वाला। तो आप चलते हैं फिलहाल घर को, आपको आगे बाद आसपास का व्यू भी दिखा दिया हमने। तो जय माता दी। भाई आपको कैसा लगा दर्शन करके माता के? हम जा रहे हैं वापिस। दर्शन करके कैसा लगा भले बताओ? भाई बड़ा अच्छा लगा, मन को मतलब ऐसे प्रसन्नता मिल रही है दर्शन करके, हल्का हल्का फील कर रहा हूँ भैया। आपको भाई बड़े अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे, कहा जाता है कि नवरात्रों में बड़ा रश होता है पर हमें तो बड़े अच्छे दर्शन हो गया। तो भाई नवरात्र थोड़ना नहीं, यहाँ भी कहना भाई मैं कहना चाहता हूँ कि माता मेरे को अगली बार भी बुलाए, तो भाई मैं अगली बार भी आऊँगा।
नवरात्रों में तो माता बुलाएगी। तो भाई मैं बस यही चाहता हूँ कि माता जी इतने योग्य बनाए कि यहाँ पे हम हर बार लंगर लगाने योग्य बने और लोगों को सर्व करें यहाँ पे, जो माता के आ रहे हैं ना, खाना पीना कर सके उनका। बस यही है, लास्ट दर्शन मैं आपको कराऊंगा वहाँ से माता के मंदिर के, फिर चलते हैं नीचे। आप नीचे उतरने में इतनी मुश्किल होगी क्योंकि इससे ढलाई होगी, तो फटाफट उतर लेंगे। जैसे एक घंटे में चढ़े होंगे तो आधे घंटे में नीचे होंगे, और ख़तरनाक भी होगी क्योंकि ऐसे है बिल्कुल उतरा ही, तो उसका सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको थोड़ी। बाकी सब ठीक है। तो भाई ये है माता मंदिर, लास्ट दर्शन कर लो आप माता के मंदिर के। वो सामने लगी अपनी गाड़ी, जय माता दी। बताना ब्लॉग कैसा लगा आपको, सारे एक बार बोलो जय माता दी, जय माता दी।